की आवाजें उठ रही हैं। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे होकर देश की हालत को बदलने में राहुल जी का साथ दें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। कुछ दोस्त चार साल पहले मोदी सरकार ने ये वादे किए थे कि वो सरकार में आते वक्त मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे। हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। हकीकत तो ये है कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, देश के नौजवान परेशान हैं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बहुत से बच्चे बैंकों से कर्जा लेकर पढ़ाई करते हैं। अब उन्हें जॉब न मिलने पर ये खतरा पैदा हो गया है कि वो ये बैंकों के सिलेक्शन को किस तरह से वापस कर पाएंगे। देश में हर तरफ निराशा बढ़ रही है, कानून व्यवस्था नीचे गिर रही है, माइनॉरिटीज और दलितों और बच्चियों और औरतों पे अत्याचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ मोदी सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बढ़ती हुई कीमतों पर जनता को बहुत फिक्र है। मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि अपनी सरकार आते ही हम पेट्रोलियम गैस और डीजल की कीमतें कर पाएंगे। हकीकत इसके बिल्कुल ही उल्ट है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं, फिर भी भारत में ये कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। भाइयों और बहनों, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के काम करने के तरीकों से देश में डेमोक्रेसी को भी खतरा पड़ सकता है। पिछले दिनों भारत की संसद में जो कुछ हुआ वो जनता के बिल्कुल सामने है। संसद को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी पेश करना चाहती थी, उनको पेश करने से रोकने के लिए हर प्रकार के साधन इस सरकार ने किए। और इससे जो ये साफ है कि अगर संसद नहीं काम करती तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को खतरा पड़ सकता है। डेमोक्रेसी तो एक भारत के संविधान का एक तोहफा है। इसको मजबूत करने के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिससे संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं के अपमान किया जा रहा है। मैंने जिक्र किया पार्लियामेंट को किस तरह काम नहीं करने दिया गया, बजट को कैसे बिल्कुल बैठ के ही पास कर दिया गया, अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी उसको किस तरह से आने से रोक दिया गया। इन तमाम चीज़ों से भारत में डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही साथ
बैंकों में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग बैंकों से हजारों करोड़ के रुपए कर्ज लेकर देश से भाग निकले हैं, जिससे हमारे बैंकों की हालत भी अब छप को छुपा होने वाला है। तो भाई और बहनों, इन सब हालतों का मुकाबला करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और राहुल जी के हाथ मजबूत करें, और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस सिलसिले में जो संघर्ष वो आगे लेकर बढ़े हैं उसमें हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। मैं दो लफ्ज दो शायरों को कोट करते हुए अपने स्पीच को खत्म करता हूँ। कुछ एक शायर ने कहा है, कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में, लम्हों ने खिता की थी सदियों ने सजा पाई। भाइयों और बहनों, हम इसी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और आइए राहुल जी के हाथ मजबूत करें। आप इन तारीखियों से सुर्खियां पैदा करें, इस जमीन की पत्तियों से आसमां पैदा करें। जय हिंद।